हेलो फ्रेंड्स, केम छो? ठीक छो? मज्जा मत छो? दोस्तों, मैंने देखी काल की 2898 एडी एंड आई कुडंट बिलीव माय आईज। यार, ये मैंने क्या देख लिया? हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में ऐसी फिल्म भी बन सकती है क्या? मतलब यकीन नहीं हो रहा यार कि ड्यून लेवल की मूवी। ऐसा लग रहा था यार कि कोई क्रिस्टोफर नोलन की मूवी देख रहे हैं। इस तरह के विजुअल इफेक्ट्स, सीजीआई, मतलब दिमाग फाड़ विजुअल इफेक्ट्स यार। मतलब इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा। एक एक करके जो है ना बात करते हैं। काल की 2898 एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको मिथोलॉजी यानी एंशंट के जो लोग थे उनकी मिथोलॉजी और आजकल की जो एआई का दौर चल रहा है उनके दरमियान एक फाइट नजर आएगी, जो कि बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है। लेकिन इसको अच्छे तरीके से सोच के ब्रिलियंटली जो है ना आपके सामने रखा गया, एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लाया है डायरेक्टर नाग अश्विन ने। और भाई, इसके लिए जो है ना उनको सैल्यूट बनता है कि इस तरह की मूवी के बारे में इवन सोचना और फिर इतना बड़ा बजट लगाकर इसको इतने अच्छे तरीके से बनाना, भाई काबिले तारीफ है यार। ये मूवी जो है ना काल की आपको एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाएगी, जहां पर इंसान आपको दिखाई जाएंगे कि कितने लाचार है और एआई जो है ना उसने किस तरह जो है लोगों को कंट्रोल किया हुआ है। एक्चुअली एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका जो है ना जो इसे इस्तेमाल कर रहा है उनका लीडर है सुप्रीम, जिसे जो है ना प्ले किया है कमल हसन साहब ने। और कमल हसन साहब की क्या ही बात है यार, थोड़े से ही स्क्रीन टाइम के लिए वो आए हैं। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता उनका रोल अगले चैप्टर्स में बढ़ेगा, लेकिन जितना टाइम उन्होंने काम किया ना इस मूवी में, छपड़ फाड़ दिया बॉस। उनका ऑरा फील हो रहा था, लग रहा था कि यार कमल हसन की प्रेजेंस है। अब आ जाओ प्रभास के कैरेक्टर में। फर्स्ट हाफ जो है ना मूवी का दोस्तों वो इतना एंगेजिंग नहीं है। फर्स्ट हाफ जब मैंने देखा ना, मुझे लगा यार मतलब प्रभास ने फिर से भंड मार दिया बॉस और मूवी जो है ना यूं जाएगी और पूरा बजट की भाट लग जाएगी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ना, और खास करके फिल्म का जब सेकेंड हाफ आता है भाई, फिल्म जो पीक करती है आप खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हो। दिशा पटनी को जो है ना सिर्फ 10 मिनट के लिए लिया है और भाई डायरेक्टर भी समझ गया था कि इससे ज्यादा ले लिया तो फिल्म की वाट लगने से उसे कोई नहीं बचा सकता। कल की मूवी की अगर सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स की बात करें ना भाई, तो ये मूवी किसी भी हॉलीवुड लेवल की मूवी से कम नहीं है बॉस। ऐसे ऐसे सीन्स आंखों को देखने को मिले कि यकीन नहीं आ रहा था। मिथोलॉजी वाले जो पुरानी दुनिया दिखाई गई, इसके अलावा एंशियंट वर्ल्ड जो है ना उसके साथ साथ लेटेस्ट वर्ल्ड दिखाया गया, जहां पर दीपिका का कैरेक्टर रिवील होता है और उस कैरेक्टर में जो है आप इमोशनली किस तरह कनेक्ट करते हो ना, वो बहुत काबिले तारीफ है। और जिस तरह उनको सुप्रीम जो है कंट्रोल कर रहा है भाई, एक इमोशनल कनेक्शन आ जाता है इसमें। प्रभास का कैरेक्टर जैसे जैसे डेवलप होता है ना, वैसे वैसे उसमें जान आती है। स्टार्ट में तो देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई बिल्कुल ही फारिग है यार, फाइट्स भी बिला वजह की कॉमेडी डाल के कराई जा रही है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। लेकिन टाइम जैसे ही ग्रेजुअली बढ़ता है कैरेक्टर में जान आ जाती है। लेकिन इस फिल्म को बचाने वाला और उठाने वाला एक कैरेक्टर है भाई, वो है नन अदर देन अमिताभ बच्चन, अश्वत्थ थामा। भाई उनके कैरेक्टर को देखकर आपको फील होगा कि अमिताभ बच्चन एक्चुअली है क्या, और ये जो दौर है ना उसमें भी अमिताभ बच्चन अपनी एक्टिंग से किस तरह फाड़ सकते हैं भाई सबको। इस फिल्म में जब अमिताभ बच्चन आते हैं ना तो भाई वही नजर आ रहे होते हैं, उनके अलावा कोई भी नजर नहीं आता। तो ये मूवी जो है ना भाई एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर पैसा अच्छे तरीके से लगाओ तो भाई इंडियन सिनेमा जो है ना वो भी हॉलीवुड को टक्कर दे सकता है यार। साइफाई सीन्स यार, ऐसे ऐसे सीन्स जो आंखों को ठंडक देंगे बॉस। आप यकीन नहीं करोगे कि आप जो है इंडियन मूवी देख रहे हो, एक हॉलीवुड लेवल वाला माहौल बना हुआ है। और सोने पे सुहागा म्यूजिक, AR रहमान का बैकग्राउंड म्यूजिक भाई, जिस तरह आपको कनेक्ट करता है ना फिल्म से, आपकी तबीयत ही खुश हो जाती है यार। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस अपना शेयर नहीं कर पा रहा कि यार इस मूवी ने जो है ना भाई लिटरली दिल खुश किया है कि कोई एक ऐसी मूवी पर इस सब्जेक्ट पर पैसा लगाने की बनाने की कोशिश तो की, रिस्क तो लिया कि भाई हम भी इस तरह की मूवी बना सकते हैं। ड्यून मूवी देखकर भाई दिल खुश हुआ था कि यार इस तरह के ब्रेथ टेकिंग सीन्स देखने को मिले कि मजा आ गया। और अब कल की 2898 एडी ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया यार, बिल्कुल मजा आ गया। स्टोरी जो है बहुत ज्यादा मैं रिवील नहीं करूंगा, आप खुद जाके इस फिल्म को एक्सपीरियंस करो, फिर बाद में नहीं बोलना कि भाई इसको लैपटॉप पे देखा और फिर OTT पर देखा और ओवर रेटेड बन के जो डायलॉग मार रहे हो कि यार ठीक ठाक थी अगर देख लेते तो अच्छा होता, ओवर रेटेड है। नहीं भाई, इसको बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस करो, जितना हो सके इस मूवी को बड़े पर्दे पर देखो, वरना जो है आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मजा जो है ना ऐसी फिल्म्स का बड़े पर्दे पर ही आता है, जब प्रॉपर साउंड इफेक्ट्स आ रहे हो, जब प्रॉपर बड़ी स्क्रीन पर जो है ना आपको मूवी देखने को मिले। तो फटाफट जाकर इस मूवी को देख डालो। मैं उस मूवी को रेट करना चाहूंगा 4 out of 5 stars। फटाफट जाकर देख डालो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।